दोस्तों, अगर आप एक कम बजट में बहुत ही बढ़िया परफॉर्मेंस वाले लैपटॉप की तलाश में है तो इस वीडियो में मैं आपको एक लैपटॉप के बारे में बताऊंगा जो कि बहुत ही कम बजट में अभी अमेजन पर अवेलेबल है और साथ ही इसका जो परफॉर्मेंस है, इसकी जो बिल्ड क्वालिटी है वो बहुत ही ज्यादा अच्छी है। गाइस, मैं बात कर रहा हूँ लेनोवो कंपनी के थिंकपैड सीरीज के लैपटॉप के बारे में। ये लैपटॉप कोर i5 सेवन जनरेशन प्रोसेसर के साथ आ रहा है और इसमें 8 GB का रैम और 256 GB का SSD लगाकर अमेजन पर यह लैपटॉप लगभग 18,000 के आसपास अभी मिल रहा है। और गाइस, इस वीडियो में मैं आपको इस लैपटॉप के बारे में सिर्फ ऊपर से नहीं बताऊंगा, साथ ही मैं इस लैपटॉप को खोलकर इसका इंटरनल जो कंडीशन है, इसके अंदर मदरबोर्ड, रैम वगैरह कैसे हैं और इसमें क्या क्या स्पॉट है, इन सब के बारे में भी बिल्कुल डिटेल्स में बताऊंगा ताकि आप इस लैपटॉप के बारे में अच्छे से समझ सके। और अगर आपको ये लैपटॉप परचेस करना है तो उसका डिसीजन भी आप पूरा वीडियो देखने के बाद ले सके कि आपको ये लैपटॉप परचेस करना चाहिए या नहीं। लिनोवो कंपनी के थिंकपैड सीरीज के गाइस जितने भी लैपटॉप होते हैं, इन सब लैपटॉप की बिल्ड क्वालिटी बहुत ही ज्यादा अच्छी होती है क्योंकि ये कमर्शियल मॉडल है। ये लैपटॉप कमर्शियल यूज के लिए बनाए जाते हैं और ये लैपटॉप अगर आप कहीं पुराना भी यानी कि रिफर्बिश्ड या फिर रिन्यूज भी परचेस करते हैं तो भी आपको इसकी जो परफॉर्मेंस मिलेगी वो बहुत ही अच्छी मिलेगी। और ये कोर i5 सेवन जनरेशन के साथ आता है तो इसका जो परफॉर्मेंस है वो भी आपको बहुत ही ज्यादा हाई मिलने वाला है क्योंकि इसमें 8 GB का रैम और साथ में SSD भी ऑलरेडी लगा हुआ है। और गाइस, इस लैपटॉप का जो कीबोर्ड है, ये कीबोर्ड बहुत ही बढ़िया क्वालिटी का कीबोर्ड है। मैंने अपने 13 साल के एक्सपीरियंस में थिंकपैड सीरीज के लैपटॉप का कीबोर्ड खराब होते कभी नहीं देखा है। मैंने बहुत थिंकपैड सीरीज के लैपटॉप यूज किए हैं, लोगों को यूज करते हुए देखा है, लेकिन कभी भी नहीं देखा कि किसी के थिंकपैड सीरीज का लैपटॉप का कीबोर्ड में कोई प्रॉब्लम आ गया है। इस लैपटॉप में आपको हाई डेफिनेशन का डिस्प्ले मिल जाएगा। इस लैपटॉप का जो माउस पैड है, इसमें आपको राइट क्लिक लेफ्ट क्लिक करने के लिए 2 की जगह 4 बटन मिल जाएंगे। जी हाँ गाइस, यहाँ पर देखिए, आप यहाँ से भी कर सकते हैं राइट क्लिक और आप यहाँ से भी कर सकते हैं, सेम आप यहाँ से भी लेफ्ट क्लिक दोनों से ही कर सकते हैं, नीचे वाले से भी और ऊपर वाले से भी। साथ ही यहाँ पर देखिए एक जॉयस्टिक भी दिया गया है, ये देखिए गाइस, यहाँ से आप माउस के कर्सर को मूव भी कर सकते हैं। वैसे इसकी ज्यादा जरूरत हमें पड़ेगी नहीं। अगर इस लैपटॉप के पोर्ट्स की बात करें तो आपको लेफ्ट हैंड साइड में देखिए यहाँ पर एक USB पोर्ट मिल जाएगा, यहाँ पर ऑडियो जैक के लिए पोर्ट मिल जाएगा और यहाँ पर देखिए इसका जो चार्जिंग सॉकेट है वो आपको मिल जाता है और ये कूलिंग वेंट है। और गाइस, अगर इसके राइट साइड की बात करें तो देखिए यहाँ पर आपको सिम कार्ड लगाने के लिए एक पोर्ट मिलेगा और यहाँ पर आपको 2 USB पोर्ट मिल जाएंगे, साथ में यहाँ पर आपको एक लैन पोर्ट और यहाँ पर एक VGA पोर्ट भी मिल जाएगा। और गाइस, यहाँ पर आपको एक लाइट जलता हुआ भी दिखेगा जो कि दिखने में बहुत ही ज्यादा अच्छा लगता है, आप देख सकते हैं थिंकपैड के बिल्कुल पास। और गाइस, इस लैपटॉप के अगर फिजिकल कंडीशन की बात करें तो ऊपर से ये लैपटॉप बिल्कुल दिखने में फ्रेश है, आप देख सकते हैं, और इसका ये जो बॉडी है ये बिल्कुल 180 डिग्री हो जाता है। ये देखिए गाइस, इससे आप इस तरह से 180 डिग्री बैंड भी कर सकते हैं, आप देख सकते हैं गाइस कुछ इस तरह से। ये मैंने आपको दिखा दिया इस लैपटॉप का फिजिकल कंडीशन, आपको एक बार करीब से भी दिखा देता हूं। आप देख सकते हैं लैपटॉप में कहीं भी कोई स्क्रैचेस वगैरह कुछ खास नहीं है, बिल्कुल जो भी है एकदम माइनर है, यानी कि नेग्लिजिबल है। आप इधर से भी देख सकते हैं कुछ भी खास आपको स्क्रैचेस वगैरह बिल्कुल भी नहीं मिलेंगे इसमें। और ये लैपटॉप जब आप परचेस करेंगे तो इसमें आपको विंडोज 10 प्रीलोडेड मिल जाएगा। और गाइस, इस लैपटॉप में i5 सेवन जनरेशन का प्रोसेसर होने की वजह से इस लैपटॉप का जो परफॉर्मेंस है वो बहुत ही ज्यादा अच्छा है। आप इसमें फोटोशॉप का काम कर सकते हैं, आप इसमें वीडियो एडिटिंग का काम कर सकते हैं। मैं इस लैपटॉप में फिल्मोरा यूज करता हूँ वीडियो एडिटिंग करने के लिए, साथ ही इसमें मैं ऑफिस 2013 भी चलाता हूँ और भी मेरे जितने भी रोजमर्रा के काम रहते हैं सब कुछ इसमें बहुत ही इजीली हो जाता है। यहाँ तक कि आप इस लैपटॉप में लो टू मीडियम रेंज के जो गेम्स होते हैं वो भी आराम से खेल सकते हैं, कोई भी प्रॉब्लम आपको नहीं आएगी। और इस लैपटॉप का जो बैटरी बैकअप है वो लगभग 2 घंटे से ऊपर है और इसकी फिजिकल कंडीशन मैंने आपको ऊपर से दिखा दी। अब गाइस, इस लैपटॉप में खोलूंगा और इसको खोलकर मैं इसका जो इंटरनल कंडीशन है वो भी आपके साथ शेयर करूंगा ताकि आपको इस लैपटॉप के इंटरनल कंडीशन के बारे में भी पता चले। तो चलिए, अब मैं इस लैपटॉप को एक बार ऑफ करता हूँ और इसे खोलकर आपको इसका जो इंटरनल कंडीशन है वो भी आपके सामने दिखाता हूँ। गाइस, आप देख सकते हैं ये इस लैपटॉप की इंटरनल कंडीशन। और गाइस, ये जो लैपटॉप है इसमें देखिए SSD लगा हुआ है, साटा SSD 256 GB का। यहाँ पर देखिए आपको रैम के लिए 2 स्लॉट मिल जाएंगे, एक स्लॉट में ऑलरेडी 8 GB का रैम लगा हुआ है। अगर आप चाहे तो इसे अपग्रेड भी कर सकते हैं, आप इसमें एक और 8 GB का रैम लगाकर इस लैपटॉप को 16 GB भी कर सकते हैं। यहाँ पर देखिए 2 स्पीकर दिए गए हैं, एक यहाँ पर है और एक यहाँ पर है। इस लैपटॉप का जो साउंड क्वालिटी है वो बहुत ही अच्छा है, साउंड भी काफी लाउड है और बिल्कुल क्लियर भी है।
और वैसे इस लैपटॉप के अगर कूलिंग की बात करें तो देखिए यहाँ पर ये कूलिंग फैन दिया गया है और इस साइज इसका एग्जॉस्ट है और बाकी का इंटरनल कंडीशन आपको दिख रहा होगा। मैं आपको एक बार थोड़ा करीब से दिखा देता हूँ। ये देखिए गाइस, ये कुछ इस तरह का इसका इंटरनल कंडीशन है। ये लैपटॉप अंदर से भी काफी फ्रेश है और बाहर से भी काफी फ्रेश है। तो चलिए अब मैं इस लैपटॉप को फिट कर लेता हूँ। और दोस्तों अब मैं आपसे बात करते करते इस लैपटॉप का पावर बटन ऑन करूंगा और आप देखना कि ये लैपटॉप कितनी जल्दी बूट हो जाता है, यानी कि कितनी जल्दी ये स्टार्ट हो जाता है। तो ये मैंने पावर बटन ऑन कर दिया। इस लैपटॉप के बारे में जितना पॉसिबल हो सका मैंने आपको बताने की कोशिश की है। अगर इसके बाद भी आपको लगता है कि मुझसे कुछ छूट गया है या आपके मन में कोई क्वेश्चन है तो आप मुझे कमेंट में जरूर लिखिएगा, मैं आपके कमेंट का रिप्लाई जरूर करूंगा। और गाइस, ये लैपटॉप अभी अमेजन पर 18,000 रुपए के आसपास मिल रहा है। मैं इस लैपटॉप को परचेस करने का लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, आप चाहे तो वहां से जाके चेकआउट कर लीजिएगा। ये लैपटॉप भी देखिए ऑन हो चुका है। और गाइस, अगर आपको लैपटॉप सेकंड हैंड यानी कि रिफर्बिश लेना है तो आप या तो लेनोवो का थिंकपैड लैपटॉप परचेस करना या फिर आप डेल का लैटिट्यूड सीरीज का एक लैपटॉप आता है जिसका मॉडल है 5470, उसके ऊपर भी मैंने ऑलरेडी वीडियो बना रखा है। उस वीडियो का लिंक मैं ऊपर आई बटन पे दे दूंगा और आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में भी उस वीडियो का लिंक डाल दूंगा, आप चाहे तो वहां से भी जाके देख लीजिएगा। अगर आपको सेकंड हैंड यानी कि रिफर्बिश लैपटॉप परचेस करना है, यूज लैपटॉप परचेस करना है बजट प्राइस में, तो आप डेल का लैटिट्यूड सीरीज का वो लैपटॉप या फिर थिंकपैड का यानी कि लेनोवो थिंकपैड का ये लैपटॉप, इन्हीं दोनों में से कोशिश कीजिएगा परचेस करने का। और दूसरे मॉडल्स की तरफ ना ही जाए तो मेरे हिसाब से अच्छा रहेगा। और ये लैपटॉप कमर्शियल सीरीज के लैपटॉप होने की वजह से इनकी जो बिल्ड क्वालिटी है वो दूसरे जो पर्सनल यूज के लिए जो लैपटॉप मिलते हैं उनसे बहुत ही ज्यादा अच्छा है। तो गाइस, आई होप कि आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर चैनल पर नए हैं, पहली बार आए हैं तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। आपको इस चैनल पर टेक से रिलेटेड इस तरह की वीडियोस रेगुलर मिलती रहेंगी। तो चलिए मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।